अभी मैं वापस आ रहा हूँ बातें करने। क्या आप लोग ये तो एग्री करते होंगे सबके पास व्हाट्सएप है, ठीक है? तो हम थोड़ा सा एक्टिव केस करेंगे, बातें भी करेंगे और चैट भी करेंगे और डिटेल भी बताने की कोशिश करेंगे। बाकी बहुत सारे लोग हैं नीचे जिनका माइक कनेक्ट नहीं है, तो वो उनके माइक कनेक्ट करा दें। हम लोगों को सबको व्हाट्सएप चलाना लगभग लगभग आता है, लगभग लगभग आता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि उनको पूरा व्हाट्सएप भी नहीं चलाना आता है। बहुत सारी बातें व्हाट्सएप की भी नहीं पता है, फेसबुक की भी नहीं पता है। फेसबुक में भी केवल वो फोटो डालना जानते हैं और उसको शेयर करना जानते हैं, लेकिन उन्हीं फोटो को ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, ये शायद वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। मैं नहीं कहता कि यहाँ पे जितने लोग हैं, मे बी 50% को पता होगा, लेकिन बहुत सारों को बिल्कुल नहीं पता होगा। बहुत सारों को ये नहीं पता होगा, फेसबुक से प्रमोट तो करते हैं लेकिन हमको रिजल्ट नहीं मिलता, कारण क्या है? ढूंढना पड़ेगा। आपने ढूंढने की कोशिश करी या नहीं करी मुझे नहीं पता, मैं आज वो बताने की पूरी कोशिश करूंगा कि क्या फर्क है। तो जिन जिन के भी फेसबुक अकाउंट, व्हाट्सएप सबके पास है, फेसबुक अकाउंट अगर नहीं है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, अगर नहीं है तो बना लें, बहुत जल्दी बना लें, इवन आज बना लें या कल ही बना लें। जिनके पास नहीं है, सीखना बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, उसको चलाना सीखना 2, 4, 5, 10 दिन लगेंगे ज्यादा से ज्यादा, यूट्यूब वीडियो को देख कर भी आप सीख सकते हैं। उसके बाद उस पे काम हम लोग कैसे करें ये सीखने की जरूरत है। फेसबुक पे हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं स्क्रीन पे आके आपको व्हाट्सएप की थोड़ी सी चीजें जिसको कहते हैं बताने की कोशिश करता हूँ। व्हाट्सएप सब लोग जानते ही हैं, हम लोग जिसको कहते हैं जो शेयर करते हैं अपना एक नॉर्मल ये स्क्रीन होती है उनकी। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को इरिटेशन होने लग जाते हैं कि इतने सारे ग्रुप आ गए हैं, इतने सारे ये आ गए हैं, मेरे को किसने ऐड कर दिया, ऐसा वैसा 36 कहानियां। लेकिन आपको पता ही नहीं है ये आपके कितने काम की चीज है, कितने काम की चीज है, कैसे। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले मैं डेली अपने एक चीज का इस्तेमाल करते हैं, किसी को भी साइलेंटली आपने अगर किसी को कुछ बताना है तो उसको हम लोग स्टेटस कहते हैं। स्टेटस जैसे कि यहाँ पे स्टेटस बहुत सारे लोग नहीं लगाते, ये फोटो 78 लोगों ने आज देख ली, ये 24 घंटे के लिए रहता, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, ये सिर्फ 24 घंटे बाद चेंज हो जाएगी। ये जिस समय मैंने लगाई है ये फोटो, मैं वापस आता हूँ, ये 24 घंटे बाद चेंज हो जाएगी, मतलब कि ये बिल्कुल जीरो हो जाएगी। अभी यहाँ पे चार मेरे वो हैं पोस्ट हैं, उसको भी मैं दिखाऊंगा आपको। 78 लोगों ने ये देखा है। अब मैं चाहूं तो यहां से कैसे देखूंगा कि कौन अपने एटमी वाले हैं या कौन एटमी वाले नहीं है। जैसे आप ऊपर देख रहे हो राही SITV लिखा हुआ है, ये मेरे ऑफिस का पर्सन है, मतलब कि ये इसको देख रहा है। अगर मैं ऐसे ही नीचे करूं तो मैं ये देख सकता हूं कि मेरे को किसको कॉल करना है या किसको मेरे को ये बताना है, कौन मेरे को डेली वॉच कर रहा है। तो यहां से आप उनको कॉलिंग कर सकते हो, उनको डायरेक्टली व्हाट्सएप भेज सकते हो जो एटमी नहीं कर रहे। यहाँ पे मैक्सिमम एटमी वाले भी हैं लेकिन बिना एटमी वाले भी हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं बताऊं, नीचे दोनों जो हैं वो एटमी नहीं करते हैं और ये थर्ड पर्सन है वो भी नहीं करते हैं। मेरे ख्याल से 50-50 होगा। थोड़ी मेरा वॉइस चला जाएगा वीडियो की वजह से वॉइस आया सर बिशप जी? यस यस वॉइस आ रही है। हाँ, क्योंकि वीडियो अगर ऑन हो जाता है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें स्टेटस में वीडियो भी है इसलिए मैं उसको नहीं दिखाऊंगा। यहाँ पे हर हाल में आपका डेली कम से कम 4 से 5 फोटो या 10 भी हो सकती हैं, फोटो प्लस एक वीडियो या कुछ भी जो मैसेज आप व्हाट्सएप पे आप किसी को शेयर करते हो यहाँ पे भी जरूर रखिएगा। ध्यान दीजिएगा स्टेटस आपका डेली चेंज होना ही चाहिए, चाहे वो रिजल्ट का हो, चाहे प्रोडक्ट की फोटो हो या उसका वीडियो हो, वो 100% होना ही चाहिए। आपका स्टेटस कभी भी खाली नहीं हो, डेली के डेली आपका वो चेंज होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हम लोग मैसेज आजकल रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, जैसे कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ
चौथे नंबर पे मेरे को किसी ने ऐड किया हुआ है अदर प्लान प्रमोट करवाएं। यहाँ पे इसका मतलब है यहाँ पे कितने लोग हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पे क्या है, ये मेरे प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, मतलब कि 200 लोग हैं जिनको मैं नहीं जानता हूँ। ध्यान दीजिएगा, ये जो नंबर नंबर दिख रहे हैं तो इट मीन्स ये मेरे मेरी फोन बुक में नहीं है, तो मतलब कि कहीं ना कहीं मेरे ये क्लाइंट हो सकते हैं। मैं चाहूं तो किसी को भी कोई भी मैसेज भेज सकता हूं। एग्जांपल के लिए सिंपल छोटा सा काम करना है, इस नंबर पे क्लिक किया, मैसेज पे गए और यहां से इनको हाय हेलो कर दिया, या कोई भी अपना एटमी का कुछ भी हाय हेलो करके आप भेज सकते हैं। सिंपल हेलो किया तो इट मीन्स यहाँ पे आपको पता चल गया कि आपने इनको मैसेज भेजा है। तो मतलब कि मेरे पास यहाँ पे कितने नंबर हैं, एक ग्रुप में 200 से ज्यादा आप देखेंगे तो 203 लोग, 203 लोग हैं। मैं इनको चाहूं तो अपनी कॉलिंग के लिए, अपने व्हाट्सएप मैसेज के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टली करना पड़ेगा इनको। आप कभी भी जिनका नंबर आपके पास सेव नहीं है या आपका नंबर उनके पास सेव नहीं है, इनको ब्रॉडकास्ट में कोई फायदा नहीं होगा। तो ब्रॉडकास्ट की बात कर लेता हूँ एग्जाम्पल के, जब बात आई है तो ब्रॉडकास्ट जरूर बनाइएगा सब लोग, लेकिन किन का ये आपको ध्यान रखना है, नए लोगों का नहीं। ब्रॉडकास्ट उनका बनाना है जो आपको जानते हैं, आपका नंबर जिनके पास सेव है, उनके फोन में सेव है, उनका ही ब्रॉडकास्ट बनाने में फायदा है, अन्यथा कोई फायदा नहीं है। ब्रॉडकास्ट किस तरह से बनाना चाहिए, अलग अलग तरीके से। एक तो आपके एक्टिव पर्सन हो सकते हैं जो ऑलरेडी एटमी में काम करते हैं, उनको कुछ मैसेज देना है आपने, उनका बना सकते हैं। दूसरा उनका बनाइए जो आपको लगता है कि ये अभी सोए हुए हैं या थोड़ा 50-50 वाले हैं या कोई क्लाइंट वाले हैं या कस्टमर वाले हैं या समथिंग समथिंग, मतलब कैटेगरी में आप इनको बांट दीजिए। फायदा क्या होगा, आप एक मैसेज लिखेंगे सिंपल, मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे दिखाता हूं, मैं ये चीज थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे इसमें, थोड़ा बहुत सारे अनलिमिटेड ग्रुप हैं तो मैं बताता हूँ फायदा क्या होता है। अगर आपका नंबर सेव है तो ही फायदा होगा, ध्यान रखिएगा मेरी बात को, नहीं तो कहेंगे सर ब्रॉडकास्ट भेजने कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। थोड़ा अब ये मैंने ऊपर आए जय श्री राधे राधे, आप जैसे आप देखेंगे ये मेरा ब्रॉडकास्ट है। ब्रॉडकास्ट में कौन है, ये मेरी फैमिली है, मेरे को केवल डेली मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग की बजाय हम लोग जय श्री राधे राधे बोलते हैं, तो मैं एक राधे राधे बोलता हूँ तो यहाँ पे कितने नंबर्स पे जाता है, 14 के 14 नंबर पे, नहीं तो मेरे को 14 बार सबको भेजना पड़ता, मैं एक मैसेज को 14 लोगों तक पहुंचा सकता हूँ। तो ये आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ही मैंने एटमी का भी कर रखा है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ फिर भी मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ। एटमी इसको कैटेगरी वाइज कर दीजिएगा, जैसे कि ये मैंने बनाया, अब मैंने ये एक मैसेज हाइड्रा वाला जो है सारे ग्रुपों में भी डाला, यहाँ पे भी डाला। अब यहाँ डालने का मतलब है एक मैसेज को हम फॉरवर्ड करते हैं तो 5 लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन यहाँ मैंने 254 लोगों को वन मैसेज में शेयर कर दिया सबको। जिनके पास मेरा नंबर सेव नहीं होगा उनको ये नहीं जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जिसके पास नंबर मेरा सेव है उनको ये पहुंचेगा। मुझे जो लगता है, मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखाता हूँ चेक कैसे करना है कि उनके पास आपका नंबर सेव है या नहीं। एग्जांपल आदित्य कुमार मुरादाबाद, मैंने इसको क्लिक किया और मैसेज पे गया, यहाँ पे देखिए सिंगल टिक है, मुझे मैंने जैसे ही नाम देखा मुझे पता है कि इसके पास मेरा नंबर सेव नहीं होगा, तो इसको मतलब कि ये मैसेज नहीं गया। अब नहीं गया तो कैसे भेजना है, इमीडिएट इसको कॉपी कीजिए यहाँ से और इसको यहाँ पे पेस्ट कीजिए और भेज दीजिए, तो अब ये रिजल्ट चेंज हो जाएगा। क्या यहाँ पे जिसको कहते हैं जैसे वो ऑन करेगा तो ऑटोमेटिक डबल टिक आ जाएंगे, ब्रॉडकास्ट का जिसको कहते हैं यहाँ पे साइन आ जाता है, यहाँ पे साइन नहीं आ रहा तो मैंने इसको पर्सनल मैसेज भेजा। तो मतलब कि आपको ये देख लेना है कि डबल टिक हो रहा है या नहीं, आपका नंबर उनके पास सेव है या नहीं। तो ब्रॉडकास्ट बहुत अच्छी चीज है लेकिन ध्यान दीजिएगा इस बात को। उसके बाद
जितने भी ये ग्रुप्स होते हैं आप देख रहे हो, पता नहीं कितने कितने हैं, और आप देखते हो मैं इसको टच भी नहीं करता हूँ, आपने देख रहे हो 780 मैसेज हैं। ये फ्यूचर के लिए ना, मेरे लिए मेरे प्रोस्पेक्ट हैं, ये सारे लोग जो हैं फ्यूचर के लिए मेरे प्रोस्पेक्ट हैं, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं जब एटमी सफल होगी तो ये सारे लोग मुझे जानेंगे सुनेंगे। अब जैसे आप देख रहे हैं इस ग्रुप में एक नाम सेव है, रवि भागलपुर एटमी बिहार, बाकी नहीं है, मतलब कि उस ग्रुप में ये भी हैं और मैं भी हूँ, और मे भी हो सकता है इन्होंने ही मुझे इस ग्रुप में ऐड किया हो, बट इनके सारे लोग मुझे मिलने वाले हैं फ्यूचर में, तो इनको कभी भी आपको इनसे लेफ्ट होने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपके काम आएंगे, इमीडिएट भी आ सकता है, क्योंकि हम अब डेली आईडी पे काम नहीं कर पाते हैं, डिफिकल्ट है हम लोगों के लिए इस समय, लेकिन जिसके पास ये पॉसिबिलिटी है तो कृपया करके इन ग्रुप्स को इस्तेमाल करें, आपका जो बिजनेस है वो वर्ल्ड वाइड जा सकता है। कहाँ जा सकता है? वर्ल्ड वाइड में ऐसे भी बहुत सारे नंबर मिलेंगे आपको ग्रुप्स में, यहाँ पे अदर कंट्री के भी लोग जिसको कहते हैं इसमें होते हैं, ऐसे भी ऑलरेडी मेरे पास ग्रुप हैं जो अदर कंट्री के भी उसमें ऐड हैं, तो आप यहाँ से इनमें घुसिए, और नहीं तो बाहर आप कहोगे तो गूगल पे जाके भी जिसको कहते हैं अपना अकाउंट बना सकते हो, उसके लिए एमएलएम डायरी में, वहां से भी आपको अनलिमिटेड नंबर मिल सकते हैं, ग्रुप्स मिल सकते हैं, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हो और एक्टिविटी देख सकते हो। तो यहाँ पे जो भी हम मैसेज को और उसको फॉरवर्ड करते हैं, यहाँ तो आपको सबको ये चीज आती ही आती है, ब्रॉडकास्ट मैंने बता दिया आपको, उसके अलावा स्टेटस बड़ा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, वीडियो कॉल आप जो भी आपका ग्रुप है उनसे वीडियो कॉल्स भी कर सकते हैं, 8 लोगों को आप ऐड कर सकते हैं, जैसे आप लोग ये देखोगे यहाँ पे एक ग्रुप अभी आप देख रहे हो 4 लोगों का दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग 4 लोग एक ही उसमें थे, मतलब कि मेरी फैमिली का, तो आप 8 लोग भी वीडियो कॉलिंग पे बात कर सकते हो, जैसे हम जूम पे करते हैं, आप व्हाट्सएप पे भी जिसको कहते हैं आप वीडियो कॉलिंग का एक अलग इम्प्रेशन जाता है, अगर आप लीडरशिप में हैं तो कोशिश करो कि आप वीडियो कॉल करके उनको कुछ समझाने की कोशिश करें, अगर जूम है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर लगता है कि जूम नहीं हो रहा इमीडिएट हम व्हाट्सएप कॉलिंग कर लेते तो व्हाट्सएप करो, तो यहाँ पे ये भी बहुत मैटर करेगा आपके लिए, तो ये व्हाट्सएप लगभग लगभग सबको आता है, यहाँ पे जिसको कहते हैं आप सेटिंग में जाके अपना जो प्रोफाइल पिक्चर है सारी चीजें आपको आती हैं। इसके बाद चलते हैं हम वापस सेकंड पे, उसको कहते हैं हम लोग सोशल मीडिया का बहुत बड़ा जिसको कहते हैं ये है फेसबुक। अभी मुझे आज ही पता चला कि इस पे इतना बड़ा डाटा है ना, इतना बड़ा डाटा आप सोच नहीं सकते, इंडिया में 30 करोड़ फेसबुक यूजर है, 30 करोड़ एक्टिव फेसबुक यूजर है, अब आप लोग सोच लो 30 करोड़ एक्टिव फेसबुक यूजर में से आपको कितने चाहिए, केवल मुझे लगता है किसी को भी 1,000 लोग मिल जाएं, 500 लोग भी मिल जाएं, तो वो उनके कितने लोगों को लाएंगे आप सोच भी नहीं सकते हो, तो वो कैसे लाएंगे, अकाउंट आपका होना ही चाहिए, पोस्ट आपको करनी ही है, कैसे करनी है, एग्जाम्पल के लिए सबके पास कुछ ना आइडियाज होते हैं, आइडियाज आपके खुद हो सकते हैं, आपके मैटर आपके खुद हो सकते हैं, लिखने के मैटर कह लीजिए आप, वीडियो के मैटर कह लीजिए आप, या फिर फोटोज कह लीजिए, या कुछ भी कह लीजिए, जैसे मैंने ये हाइड्रा वाला भी जो था पोस्ट भेजा, ये मेरे को टैग किया हुआ है, अब मैंने जैसे ये वाला मैसेज शेयर किया, मैसेज जो शेयर करेंगे ना उसको असल में कहाँ पे शेयर करना है, आपने पोस्ट करने के बाद हमको ये सबसे ज्यादा जरूरी है, इस वीडियो की जिसको कहते हैं आवश्यकता मैक्सिमम सिर्फ जो एटमी में है उनको है, जो बाकी है उनके लिए ये कोई मैटर ज्यादा करता नहीं है, वो इसको नहीं देखेंगे, लेकिन अब मुझे मान लो एग्जाम्पल के लिए ये वाला मैंने पोस्ट भेजा, तो ये मैं किसी भी ग्रुप में शेयर कर सकता हूँ, कौन से ग्रुप सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ पे, ग्रुप्स कौन से, ये हैं हमारे सोशल मीडिया के जिसको कहते हैं एमएलएम ग्रुप्स, या फिर
इंडियन ग्रुप्स जो अदर कंट्री में रहते हैं, या तो बहुत सारे, जैसे ऊपर ही आपने देखा भीष्म चौहान जी की फेवरेट एमवे इंडिया का ग्रुप सबसे ऊपर है, हम लोग इन्हीं को टारगेट करते हैं सबसे ज्यादा, जो हमारे भीष्म जी के। मैंने अभी बहुत सारे एमवे के ग्रुप्स में ज्वाइन किया, मतलब कि एंट्री की है। आपको एमवे वाले कंपैरिजन वाले पोस्ट या कोई ऐसा मैसेज जो आपको लगता है कि उनको पहुंचाना है, तो वो मैसेज जिसको कहते हैं शेयर करना है, कैसे शेयर करना है? मैं एग्जांपल के लिए आपको एक मैसेज, सबसे पहले इनको सर्च कैसे करना है, आपको जितने भी लोग का नहीं है एमएलएम ग्रुप्स, सिंपल आपने एमएलएम ग्रुप्स डाला तो ये ऐसे आ जाएंगे। जैसे ऑलरेडी यहाँ विजिट लिखा हुआ है तो मतलब कि मैं इनमें हूं, नहीं तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा ज्वाइन। देखिए जैसे इसमें आ रहा है ज्वाइन, इस तरह से आप जिसको कहते हैं ज्वाइन पे क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक आपको कोई ना कोई अप्रूव्ड कर देगा। जैसे कि ये है एग्जांपल के लिए, मैंने कर दिया यहाँ पे, इसको एग्री किया और सबमिट कर दिया। अब ऑटोमेटिक ये कुछ देर बाद कोई ना कोई जो भी इस ग्रुप में होगा वो मेरे को अप्रूव्ड कर देगा, तो मैं इस ग्रुप का वो बन जाऊंगा, मेंबर बन जाऊंगा। तो ऐसे बहुत सारे अनलिमिटेड, मतलब कि इंडिया की नहीं वर्ल्ड की कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होगी जिसके ग्रुप नहीं बने हो। फेसबुक पे सबके ग्रुप बने हुए हैं, जैसे अब आप देखेंगे सेफ शॉप, सेफ शॉप में कितने हैं यहाँ पे 27K, मतलब 27,000 लोग मेंबर इसमें ऐड हैं। मतलब आपकी एक पोस्ट को देखने वाले कितने लोग हो सकते हैं सेफ शॉप वाले। अब आपको लगता है कि सेफ शॉप को टारगेट करना है कि उनमें क्या उनकी क्या कमियां हैं, आपको समझ जाना चाहिए कि उनके में जिसको कहते हैं एक ही जो प्रोडक्ट है वो ऐसा है कोई भी रिपर्चेज करता ही नहीं है, कोई भी रिपर्चेज नहीं करता। हाँ जबरदस्ती वाली बात है कि भाई ले ले, आप किसी भी एज ए कस्टमर को मान लीजिए, जैसे हम लोग रिटेल करते हैं तो वो आपका ऑर्डर रिपीट आता है, यहाँ पे किसी भी कस्टमर को एक बार भी दोबारा से वो सूट लेंथ बेच नहीं सकते, क्योंकि 12,000 से 14,000 रुपए का है कोई नहीं लेता है, हर बार एक नए को ढूंढते हैं। तो इसकी कमी आपको पता चल गई होगी, ऐसे करके आप हर एक कंपनी के ग्रुप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने एमवे लिख दिया, एमवे, तो यहाँ पे जिसको कहते हैं पहले एमवे ग्रुप, तो यहाँ पे देखिए कितने सारे फिर आने लग गए हैं से रिलेटेड, इनमें जाइए। अब ये भीष्म चौहान जी अब सब में चले जाएंगे, आप समझ लो अब आपको इनसे पहले जाना है। तो आपको हर हाल में इनके अंदर घुसने के बाद एक तो उनको पोस्ट डालनी है जो एटमी की सबसे अच्छी कंपनी की जानकारी हो, कंपनी की जानकारी हो कि एटमी जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है वो किस तरह की है और वहाँ पे एमवे में क्या चीज़ें नहीं है और यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, ये आपको कंपेयर कराना है, उनको एक मैसेज देना है, एक्चुअली एक अच्छा मैसेज देना है, लड़ाई झगड़े वाला मैसेज नहीं होना चाहिए, सिंपल एक इंफॉर्मेशन देनी है कि ये बेस्ट क्यों है, वो खराब नहीं है, एमवे खराब नहीं है, बट ये बेस्ट क्यों है ये आपको बताने की कोशिश करनी है। और क्या पता किसी से कनेक्ट, पहले तो रिलेशन डेवलप करना है फिर कनेक्ट होने की कोशिश करनी है। मतलब कि सबसे पहले हमने क्या सीखा यहाँ पे कि एमएलएम ग्रुप्स में हमको ज्वाइन करना है, अनलिमिटेड है, एक दो नहीं, 10-20 नहीं, 50-60 नहीं, 500 क्या 1,000 को भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, इतने सारे हैं, 500 प्लस में मैं हूँ, बट नहीं कर पाते हैं, टाइम नहीं है आजकल, तो आप लोगों की मदद से हम लोग जा सकते हैं। मतलब कि अगर मैं ग्रुप बोलूँ ऐसे करूँ तो अनलिमिटेड जिसको कहते हैं चलते जाएंगे, तो इट मीन्स एमएलएम ग्रुप्स को ज्वाइन करना है। पहली चीज, सबसे पहला आपको अपना अकाउंट सबका होगा, जिनका नहीं है उनको बनाना है, और फिर एमएलएम ग्रुप में आपको घुसना है, ज्वाइन करना है। अब मैं एग्जांपल के लिए, मैं आजकल बाहर के जैसे ब्रिटिश पीपल आप देख रहे होंगे, सेकंड जो मेरा है, ब्रिटिश का मतलब हो गया आपका यूरोप वाला, लंदन वाला, ये लंदन वाला है, तो मैं इस ग्रुप में घुसा हूँ, मैं यहाँ पे वो पोस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक अदर कंट्री की मेंबर्स को कह लो या उसको उनको कह लो, मैं उनको सर्च कर रहा हूँ,
मैं सर्च इनको कर रहा हूँ इंडियंस को, वहां पे जो इंडियंस रहते हैं। तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो, मैं कर रहा हूँ वही, मैं सेम चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे जिसको कहते हैं ये चीजें आपको मदद देंगी मुझे लगता है। तो मतलब कि ग्रुप में घुस गए आपने, पोस्ट आप करेंगे करेंगे, पोस्ट आप मेरी भी इससे ले सकते हैं और बहुत सारे लोगों की भी पोस्ट बहुत अच्छी अच्छी होती हैं। कहीं से भी कॉपी पेस्ट किया उनका नंबर और अपना नाम जो है चेंज करके आपने जिसको कहते हैं डाल दिया। एग्जाम्पल के लिए जिसको कहते हैं मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, एग्जाम्पल के लिए ये वाला देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने सिंपल लिखा हुआ है, जब कोई पूछे आपसे एटॉमी क्या है तो उसकी डिटेल है इसमें। इसको सिंपल मेरे यहाँ से कॉपी किया, ऐसे कॉपी टेक्स्ट आ जाएगा, कॉपी किया और अपने उस पे, मैं यहीं पे आपको जाके दिखा देता हूँ अपने इस पे ही। सपोज आप अपने इस पे आए जहाँ पे लिखा हुआ है राइट समथिंग, यहाँ पे दबा के रखा, पेस्ट किया, यहाँ पे चेंज क्या करना है आपको, मेरा जो नंबर है यहाँ पे, यहाँ से अपना नाम और नंबर जिसको कहते हैं अपना लिख देना है और कुछ नहीं। और फोटो या कुछ जो भी वीडियो है उसका लिंक आप ऑलरेडी, वैसे ज्यादातर मैं लिंक देता हूँ हमेशा रहता है उसमें, और उनमें कोई नंबर भी नहीं रखता हूँ मैं अपने वीडियोस में, बहुतों में 90% नंबर नहीं देता हूँ मैं। तो यहाँ पे ऐसे करके इसको सिर्फ सिंपल आपने पोस्ट करना है। पोस्ट करने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर आपने ग्रुप में पोस्ट करने से पहले टैग फ्रेंड, और आपके फ्रेंड कितने होने चाहिए, मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम क्या है, 100, 200 या 500 लोग ही उनके फ्रेंड लिस्ट में हैं, 1000 हो सकते हैं, 5000 तक वो लोग पहुंचे नहीं है। अब आप देखो सर्च करने में लग रहा है, मतलब कि मेरे जो फ्रेंड्स लिस्ट में हैं लगभग लगभग 5000 लोगों के आसपास है, ऑलमोस्ट टच है। तो मतलब मुझे लगता है एक दो लोगों को मैंने ही मतलब रिमूव किया है, तो शायद 2-3 लोग बाकी होंगे, अदरवाइज 5000। आपके फ्रेंड लिस्ट में 5000 लोग होने चाहिए, चूज आप करो उनको कि वो कौन से होने चाहिए, आपके फ्रेंड्स और फैमिली के भी फैमिली के होने चाहिए या फिर लीडर्स होने चाहिए, या वो जिसको कहते हैं फीमेल्स होने चाहिए, वो वर्क टू होम वाले होने चाहिए या कौन होने चाहिए, चूज आपको करना है। उनको फ्रेंड लिस्ट भेजो आप और उनको अपनी फ्रेंड लिस्ट में आप एंटर करो। जैसे ये आ जाता है तो टैग फ्रेंड करो। एग्जाम्पल के लिए मेरे को अगर भीष्म जी के किसी भी पर्सन को एक मैसेज पहुंचाना है, तो मैं भीष्म जी की फेसबुक आईडी पे जिसको कहते हैं भीष्म जी की जो भी फेसबुक आईडी है उसको सर्च करूंगा और उसको टैग कर दूंगा। टैग करने का मतलब है भीष्म जी के जितने भी फ्रेंड लिस्ट हैं वो भी, उनको भी सेम मैसेज मेरा दिखेगा। तो हो सकता है भीष्म जी वो नहीं कर रहे हो, बट उनके लोगों में से कोई भी एक को तो मैं ले आ सकता हूँ। मतलब कि भीष्म जी की लिस्ट में एमवे वाले सारे हो सकते हैं सारे लोग, लेकिन भीष्म जी को टैग मत करना। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ नाम दे रहा हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए। जो कहते हैं अब आप देखोगे कोई भी, मैं किसी को भी ऐसे करके अगर कर देता हूँ एग्जाम्पल के, यहाँ पे नाम आ गए देखो, उनको टैग मान लो किसी को भी कर दिया। अब यहाँ पे क्या दिखेगा ऊपर, अरुण एटॉमी इंडिया विद इन नाम आ गया सुरजीत जम्मू प्लस 5 अदर्स। यहाँ पे आपके 50 लोग होने चाहिए कम से कम, कितने होने चाहिए 50 लोग। 50 लोगों का मतलब आपको बता दूं, अगर एक के 500 लोग हैं या एक के 5000 लोग हैं तो मल्टीपल कर लीजिए आपका मैसेज कितने लोग देख पाएंगे। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप जब टैग करते हैं तो उनके भी लोग वो मैसेज देखेंगे जो आप मैसेज यहाँ पे शेयर करेंगे। ये आप मतलब कि अभी तो केवल 5000 अपने आप पोस्ट पे भेजेंगे तो केवल 5000 लोग देखेंगे, लेकिन जैसे ही आपने 50 लोगों को किया, एक का एक के 10000 लोग हैं, सॉरी 1000 लोग हैं, तो मल्टीपल कर लीजिए तो उतने लोगों को वो मैसेज देखेगा। ये पोस्ट कर देंगे, मैं इसको अभी डिस्कार्ड कर देता हूँ अभी। साथ में अब मेरी पोस्ट है, मैं यहाँ पर ही आपको एक पोस्ट को शेयर करके दिखाता हूँ, इसी इसी पोस्ट को हम शेयर करेंगे।
या इस वाले को कर देते हैं हम लोग, ठीक है। शेयर, यहाँ पे आप मैसेज खुल रहे हैं, आप देख सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, इसको मैसेंजर पे भी भेज सकते हैं किसी को, या शेयर टू ग्रुप या फिर शेयर टू पेज, मैंने पेज भी बना रखा इसलिए आ रहा है ये शेयर टू ग्रुप। अब मेरे को कौन से ग्रुप में भेजना है, एग्जाम्पल के लिए एमवे मैंने कर दिया। अब एमवे के कितने ग्रुप आ गए यहाँ पे आप देख रहे हैं एग्जाम्पल के लिए। अब मैंने एग्जाम्पल के लिए किसी भी एक एमवे टोटली लाइफ चेंज इसमें शेयर कर दिया, सिंपल है। अब एमवे के जितने भी लोग उधर होंगे जो एमवे को पसंद करते हैं बट जो सक्सेस नहीं हो रहे हैं, परेशान हैं, एटमी का नाम सुन रहे हैं, तो क्या पता वो आपको कांटेक्ट कर लें। अगर आपका ये मैसेज या वीडियो या आपका कोई भी चीज उनको मतलब अच्छा लग जाएगा तो वो आपको देखो करने हैं। एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, यहाँ पे नोटिफिकेशन जो बेल है इसको नोटिफिकेशन कहते हैं, यहाँ पे जिसको कहते हैं आपको मैसेज की तरह आपको आ जाएगा कभी उन्होंने मैसेज भेजा हुआ है, मतलब कि आपको टच किया है। एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ पे मैं अपने ही दिखा देता हूँ, राजन सिंह एटोमी, उन्होंने मैंने जो एक वो किया था उन पे इन्होंने यहाँ पे लिखा एक्सलेंट, तो वो हो सकता है यहाँ पे लिख दें कॉन्टेक्ट मी या ये क्या है इंफॉर्मेशन दें या पर्सनल मैसेज करें या कुछ भी यहाँ पे मैसेज आपके लिए वो छोड़ सकते हैं। तो इसको अगर आपको वॉच करना पड़ेगा, हर एक घंटे दो घंटे में आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई मैसेज तो नहीं है, आपसे पहले आपका कोई भी पर्सन इनको टच कर सकता है, ये ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने कोई मैसेज भेजा लेकिन मेरे से पहले उस ग्रुप में और कोई पर्सन है एटमी का, उसने देख लिया, वो उसको कॉन्टेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे प्रोएक्टिव रहने की जरूरत है आपको, मतलब कि इसको व्हाट्सएप की तरह आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, बार बार आपको इसको व्हाट्सएप की ही तरह आपको देखना पड़ेगा और इमीडिएट उनको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। मतलब कि आपको जो भी आप शेयर करेंगे, जो भी आप पोस्ट करते हैं, उसको आपने ग्रुप में शेयर करना है, जितने भी आपके एग्जांपल हैं आपके सामने। फिर अदर वेस्टेज मान लेते हैं, यहाँ पे है तो मैंने इस वाले में क्लिक किया और इसको पोस्ट कर दिया। हर कंपनी को आप टारगेट कर सकते हैं, उनके जब आपको लगता है जिस कंपनी में वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, वो नहीं हो पा रहे हैं, तो आप उनको जाके पर्सनली मैसेज देखो करते हैं, चैट भी कर सकते हैं उनको। चैट कैसे करेंगे, मैसेंजर से। एग्जांपल के लिए कोई भी पर्सन अगर आपको मैसेज भेज देता है, एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, तो आप उनको एग्जांपल के लिए यहाँ से ले लेते हैं, ये तो दोनों ही एटमी के होंगे, फिर भी मैं ले लेता हूँ, ये मुझे यहाँ पे मैसेंजर पे चलेगा। मैसेंजर से जैसे हम व्हाट्सएप से करते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी इनका नंबर नहीं है, तो हम व्हाट्सएप की ही तरह सेम सब कुछ है यहाँ पे। हम इनको फोटो भेज सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सेम सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम उनको डिटेल दे सकते हैं, तो आपको यहाँ से उनसे हाय हेलो करके उनका पूरा डिटेल लेके कि आप क्या करते हैं, कहाँ पे करते हैं, कब से कर रहे हैं, आप किस लेवल पे हैं, क्या हैं, या आपका व्हाट्सएप नंबर दे दो, मैं आपको कॉल करता हूँ, ऐसी सारी डिटेल आप यहाँ पे चैट के थ्रू मैसेंजर से ले सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि मैं जिसको कहते हैं बाहर जो अदर कंट्री हैं, मैं उनको भी फिलीपींस, यहाँ देख रहे हैं आप एमवे फिलीपींस, मैं इनको भी अप्रोच किया, ठीक है इन्होंने अभी मेरे को कोई रिप्लाई नहीं दिया, बट मैंने इनको भी अप्रोच किया। तो आप कोई भी पर्सन जिसको कहते हैं उनकी प्रोफाइल चेक करेंगे कि आप किसको फ्रेंड लिस्ट में डाल रहे हैं, आपको उनकी प्रोफाइल पढ़नी पड़ेगी, अबाउट उनके डिटेल पढ़ने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा कि वो कौन है, क्या करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के पर्सन है भी या नहीं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देख लेते हैं तो मुझे लगता है बहुत बड़ा काम आप कर सकते हैं। तो यहाँ तक कि आप कोई भी मैसेज हम लोग शेयर कर सकते हैं,
यहाँ पे भी एक चीज है, जैसे हमारा जिसको कहते हैं स्टेटस बताया था मैंने, जैसे आप देखेंगे अरु अरु चौहान ने ऑलरेडी ये फोटो डाल रखा है और इनको ऑर्डर मिल रहे हैं, इनको कम से कम 8 से 10 ऑर्डर बाहर के जिनको ये बिल्कुल नहीं जानते बालों के ऑर्डर इनको मिल चुके हैं। तो ये उस मतलब कि आप कहोगे तो फेसबुक पे भी प्रमोट करते हैं और इसको कहते हैं स्टोरी, जैसे वहां स्टेटस है ऐसे ही कहते हैं इसको स्टोरी, स्टोरी लगाना शुरू कीजिए। आप देखेंगे बहुत सारे लोगों ने, सुशील जी ने आप देखेंगे ये स्टोरी लगा रखी है, क्या लिखा हुआ है उन्होंने पेस्ट की, उसके बाद कैविटी, पायरिया, मसूड़ों में दर्द, ब्लीडिंग, दुर्गंध आदि, 5 से 10 दिनों में ठीक करने वाला प्रोपोलिस टूथपेस्ट। आप ऐसा कुछ भी चीजें अपने स्टोरी में और अपने पोस्ट पे डाल सकते हैं। तो मतलब पोस्ट पे डालने का मकसद यही है, यहाँ पे आपने कुछ भी लिखा या कुछ भी एक फोटो सेलेक्ट किया, कहाँ से, फोटो एंड वीडियो, यहाँ पे गए और गैलरी में आप पहुंचोगे। एग्जाम्पल के लिए ये देखिए एक छोटा सी चीज मैं आपको दिखाता हूँ, व्हाट्सअप, जैसे मैंने फेसबुक का एक डाटा बताया था 2 बिलियन एक्टिव मेंबर हैं, मंथली एक्टिव मेंबर जो है 2 बिलियन है, बिलियन आप सोच के देख लीजिए। हम लोग 2 बिलियन का बिजनेस कर चुके हैं एटमी, और 100 बिलियन मैसेज फॉरवर्ड होते हैं पर डे जो है, कितना मतलब मैसेज भेजे जाते हैं, और ग्रुप पता है कितने हैं व्हाट्सएप ग्रुप, 1 बिलियन ग्रुप्स हैं दोस्तों, और ये 60 से भी ज्यादा लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। तो इसका मतलब है हम व्हाट्सएप को और फेसबुक को अगर केवल इन दोनों को ही, मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ, इस्तेमाल कर ले, मतलब यहाँ पे हम लोग फोटो या वीडियो पे जाके कोई भी पोस्ट को उठा के हम यहाँ पे डाल सकते हैं, मैसेज लिख सकते हैं फोटो के साथ में, जैसे मैंने आपको कॉपी पेस्ट वाला बताया था, या फिर खाली आप मैसेज लिख के भी शेयर कर सकते हैं। टैग फ्रेंड मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे है फीलिंग एंड एक्टिविटी। तो फीलिंग एंड एक्टिविटी का ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन ये किस लिए होता है कि आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, सैड हूँ, या मैं बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड हूँ, या समथिंग, उस तरह की एक मैसेज है यहाँ पे। आप इनमें से कोई भी चीज जिसको कहते हैं उसको चुन सकते हो, वहां पे चुन सकते हो, तो आपके नाम के साथ में जिसको कहते हैं वो पिक्चर ये वाला आ जाएगा, उसको ज्यादा जरूरत नहीं है मुझे नहीं लगता। आप जिसको कहते हैं लाइव वीडियो बना सकते हो, छोटा छोटा 2-3 मिनट का लाइव वीडियो, ये बड़ा मैटर करता है। क्यों मैटर करता है, आप जो भी प्रोडक्ट का बनाते हो ना, तो लाइव वीडियो बना दो, तो लाइव वीडियो से क्या होगा, उनको ये समझ में आएगा कि ये लीडरशिप जो है ना बहुत कमाल का पर्सन है, इसका बोलने का अंदाज अच्छा है, इसकी लीडरशिप अच्छी है, इसका इसकी नॉलेज बहुत अच्छी है, तो मे बी कोई लीडर आपको अप्रोच करे कि इसके साथ हम लोग काम कर सकते हैं। अपना पोटेंशियल दिखाने की जरूरत है यहाँ पे लाइव वीडियो बना के। लाइव वीडियो आप फेसबुक पे भी कर सकते हो, या फिर वैसे वीडियो बना के घर में सिंपल वीडियो बना के भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो, कि कोई वीडियो बनाया अपना बोलते हुए बनाया, कोई प्रोडक्ट का बनाया, कोई जानकारी देते हुए बनाया और यहाँ पे आपने शेयर किया। और बाकी यहाँ पे सेल समथिंग, आप यहाँ पे भी जिसको कहते हैं, यहाँ पे भी एक ग्रुप्स होते हैं, आपको मैं वापस दोबारा दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे ना सेलिंग ग्रुप होते हैं, आपने देखे होंगे बहुत सारे ग्रुप ऐसे होते हैं जहाँ जहाँ पे फीमेल्स का सामान ज्यादातर, बच्चों का, प्रॉपर्टी का, इसका उसका ग्रुप्स होते हैं, कि आप क्या बेचते हो, फेसबुक पे बेचने वाला भी ग्रुप होते हैं, तो उसमें भी आप यहाँ पे उनको सर्च करके उसको, मैं एग्जांपल के लिए एक आध आपको शायद दिखा पाऊँ तो मैं दिखा देता हूँ, ट्राई करता हूँ मैं, एवन का नहीं, तो ऐसे ग्रुप्स इसमें यहाँ पे हैं जहां पे जिसको कहते हैं डेली सेल्स के लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट के लिए आप सेल कर सकते हो, यहाँ पे वो भी आप सर्च कर सकते हो, मार्केट प्लेस कहते हैं उसको, मार्केट प्लेस के नाम से ज्यादातर वो जाने जाते हैं,
वो ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे। नोटिफिकेशन देखिए मेरे को आया हुआ है ब्यूटी ब्रांड, मैंने इसको ज्वाइन किया था, मेरे को यहाँ पे अप्रूवल मिल गया है। अब यहाँ पे क्या है, सारे जैसे कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे ऑलरेडी आप देखेंगे कौन कौन शामिल हैं मेरे से पहले। यहाँ पे राहुल राणा है, यहाँ पे नवाब हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, ओम प्रकाश हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ। तो इट मीन्स ये पहले से ही यहाँ पे ये एक्टिव हैं। तो यहाँ पे आप अपना सिंपल जाके ऐसे ही कॉपी पेस्ट करो, ऐसे भी कोई चीज आपको लगता है, कोई भी प्रोडक्ट का फोटो या कुछ भी, और पोस्ट मार दो। एग्जाम्पल के जब आप कर ही रहे हो तो मतलब आपके लिए मैं देखता हूँ कोई पोस्ट अगर मैं कर सकूं तो इसको ही करके मैं इसको भेज देता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल मेरा पोस्ट चला जाएगा, तो मैं भी यहाँ पे एक्टिव यूजर में, मेरा भी एटमी के लिए सबसे पहले ये बताने की जरूरत है, मैं भी एटमी को करता हूँ, मुझे भी पहचान लो। तो यहाँ सबसे पहले जरूरत है आप ये बताओ कि आप भी एटमी को करते हो। फेसबुक पे आपको हर दिन एक पोस्ट करने की जरूरत है ताकि लोगों को ये पता चले कि आप भी एटमी, क्योंकि अदर पर्सन को आप अप्रोच कैसे करोगे, सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप के सोशल मीडिया से, फेसबुक के सोशल मीडिया से, या फिर और भी किसी से। तो अभी जो नए हैं केवल इन दो पे सीमित रहें, आप इंस्टाग्राम और उस पर ना जाएं, क्योंकि अभी पहले यही आसान कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, मतलब कि उलझन में आ जाएंगे। और जो कर सकता है तो तीसरा नंबर तो हमारा इंस्टाग्राम भी है और यूट्यूब भी है और लिंक्ड भी है और बहुत सारे हैं। यहाँ पे हम लोग जिसको कहते हैं, मैंने आपको ये बता दिया, अब मैं देख लेता हूँ ये मार्केट प्लेस। देखिए मैं जो कह रहा था मार्केट प्लेस, तो यहाँ पे मार्केट प्लेस वाला ये ऑप्शन घर सा बना हुआ है, आप देखोगे सेल, यहाँ पे जाके आप अपने कोई भी आइटम को सेल कर सकते हैं। आपको फोटो लगानी है जो भी आपकी चीज है, एग्जाम्पल के लिए मैंने ये फोटो लगा दी, एग्जाम्पल के लिए आइए, जस्ट यहाँ पे 8-10 फोटो आप ऐड कर सकते हो, उसका टाइटल लिखा, प्राइस लिखा और कैटेगरी लिख दी। यहाँ पे कैटेगरी में जैसे आप जाओगे तो वहाँ पे आ जाएगा, आप हेल्थ एंड ब्यूटी कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो, जो भी आपका चीज है। और यहाँ पे डिटेल लिखी, आपका लोकेशन लिखा, डिस्क्रिप्शन में जो लिखना है आपने वो लिखा और उसको पोस्ट कर दिया। तो यहाँ पे ये 8-10 जिगा ये चला जाएगा, मतलब कि इसमें चला जाएगा, जो मार्केट प्लेस में घूमेगा, एक्चुअली कहेंगे तो आपकी पोस्ट घूमेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए इन्होंने साड़ी का दे रखा है, यहाँ पे 1 रुपये लिखा हुआ है, ये सिर्फ नकली नंबर्स हैं। ये जैसे आप करोगे तो इसकी डिटेल वो आपको बताएंगे। अब मैं जैसे ही यहाँ पे कर दूँ ना, हेलो, यहाँ पे लिखा हुआ मैसेज, इज दिस स्टिल अवेलेबल, ये क्या अभी अवेलेबल है ये वाली साड़ी, तो मैं जैसे ही सेंड करूंगा तो इनके मैसेंजर पे मैसेज या व्हाट्सअप पे, यहाँ पे देख रहे हैं नीचे व्हाट्सअप भी कॉन्टैक्ट पे है, उस पे ये कॉन्टैक्ट चला जाएगा और फिर ये मुझको कॉन्टैक्ट करेंगे। जैसे कि डार्क स्पॉट के लिए यहाँ पे इन्होंने पिगमेंटेशन के लिए दे रखा है, अब ये कह रहे हैं कि रिमूवल है हमारे पास 270 रुपये, अब ये असली प्राइस है या क्या मुझे नहीं पता। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इसके लिए ये है, लेकिन आपके पास ओरिजिनल चीज है जिससे ये 100% ये दाग हट सकते हैं, तो आप डाल सकते हो। यहाँ से भी आपको मिलते हैं, क्या मिलते हैं, ऑर्डर मिलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ग्लोबल मार्केट है, यहाँ पे ग्लोबल, जहाँ आप देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी जिसको होते हैं सर का भी दे रखा है, गंजेपन का भी, काले घोड़े का दे रखा है, ये तो नकली देते हैं, आपके पास तो असली भी है, उसको कहते हैं मार्केट प्लेस। तो मार्केट प्लेस में आप लोगों को हर उसमें पोस्ट मारना ही है कि मैं हेयर का या ब्यूटी का या समथिंग या टूथपेस्ट का, किसी का भी आप बार बार अलग अलग कैटेगरी में डाल के एक्टिव वहां पे बता सकते हैं कि मैं भी इंडिया में काम करता हूँ एटमी का। अब इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि और कुछ बताने की जरूरत है मुझे इसके लिए, क्योंकि देख लेता हूँ, ग्रुप्स मैंने बता दिया आपको, मैसेंजर मैंने आपको बता दिया, मैसेंजर पे भी मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ मैसेंजर का। मैसेंजर को भी आप किसी भी एक मैसेज को ज्यादा लोगों तक भेज सकते हो। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मैंने इनको भी फेसबुक से ही, देखो कहते हैं ये नेपाल के पर्सन है, इनको मैंने फेसबुक से लिया था, तो इन्होंने
काफी इंटरेस्ट दिखाया मुझे कि मोर डिटेल देखिए लिखे हैं इन्होंने, मोर डिटेल प्लीज। मैंने सारी चीजें बताई, इन्होंने अपना नंबर दे दिया व्हाट्सएप पे मेरे को, व्हाट्सएप पे मेरे को भेजो और क्या क्या है। अब एग्जाम्पल के लिए मेरे को ये वाला मैसेज फॉरवर्ड करना है, तो फॉरवर्ड सेम ये मैसेज मैं कितनों को कर सकता हूँ, 10-20 लोगों को यहाँ पे सिर्फ सेंड 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 पे क्लिक करना है, तो ये मैसेज उन लोगों को चला जाएगा जैसे हम व्हाट्सएप पे भेजते हैं। तो यहाँ पे भी इसका भी आप उपयोग कर सकते हो, ये उनका पर्सनल हो गया। हम फेसबुक पे करते हैं, वो देखते हैं नहीं देखते हैं पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, पर्सनल हो गया। एग्जाम्पल के लिए मैं इनको कर देता हूँ, इनको कर देता हूँ और भीषम जी को कर देता हूँ ये मैसेज, या इनको कर देता हूँ। अब मैंने चार लोगों को ये भेज दिया, यहाँ पे जैसे ही हो गया सेंड तो मतलब इनको पहुंच गया। मैं भीषम जी के इस पे क्लिक करूंगा तो वो ऑटोमेटिक वहां पे दिखेगा कि हाँ जी भीषम जी को इन्होंने भेज दिया है, ये देखेंगे तो ये मैसेज भीषम जी को ऑलरेडी चला गया। ये क्या है, एटॉमिक कंपनी का इंट्रोडक्शन प्रोफाइल वीडियो। तो यहाँ इस तरह से आप इसका भी प्रयोग कर सकते हो। ये देखिए फिर जो मैं बता रहा था मार्केट प्लेस वाला, तो मैंने ये ऑलरेडी किया हुआ था, तो मैं इसको खोल के दिखा देता हूँ। इस तरह से मैंने किया हुआ था और ये सारे पोस्टर हैं, मैं बहुत सारे वीडियो उसमें डाल रखे हैं हर तरह के, पर्सनल केयर, हर्बल, ओरल केयर और ये करके, और यहाँ पे पेस्ट कर रखा था और इसको मार्केट प्लेस पे मैंने छोड़ रखा था। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि फेसबुक में अभी आपको और कुछ बताने की जरूरत है। अब थोड़ी थोड़ी चीजें आपके पास आ जाता हूँ वापस, ताकि पता चले आपको और आप मुझसे बात कर पाए। तो अभी मैं वापस आ रहा हूँ ताकि हम क्वेश्चन ले लें छोटे छोटे से, उसके बारे में मैं बता पाऊँ, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो व्हाट्सअप हो या फिर मैसेंजर हो। तो थैंक यू, ओवर टू यू अवतार जी। अवतार जी आप एक बार हैंड रेज कर दीजिए। यस, आप अनम्यूट करें अवतार जी। थैंक यू। हेलो, यस अवतार जी। हाँ जी सर बहुत अच्छा अरुण जी ने जो है बताया कि कैसे सोशल मीडिया से हमने जो है टीम को ग्रो करना है, और बहुत डिटेल में बताया है कि सबको अच्छी तरह पता चला होगा आगे जो है हम सभी जो है सोशल मीडिया से काम करेंगे और अपनी टीम को बढ़ाएंगे। थैंक यू अरुण जी, थैंक यू अवतार जी। सबको और चीज बताना चाहता हूँ, सोशल मीडिया का असली में फायदा क्या है। आप अभी तक ना केवल अपने एक सर्कल में काम करते हैं, जिनको आप जानते हैं केवल उनको काम करते हैं। सोशल मीडिया से आप उनके साथ काम कर सकते हैं जिनको आप बिल्कुल भी नहीं जानते, मतलब कि अदर स्टेट में, अदर सिटी में या अदर कंट्री में। सबसे बड़ी बात है ये। थैंक यू। तो अब मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग बात कीजिए, जिसको भी कुछ पूछना है, बात करनी है, तो आप सब लोग मोस्ट वेलकम है सबका। यस प्लीज, जिनको भी बात करनी है अरुण जी से और किसी सोशल मीडिया के किसी भी पहलू पे आप पूछना चाहते हैं सवाल, तो आप प्लीज एक बार हैंड रेज करें। और एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे बोर्ड पे जो पार्टिसिपेंट दिख रहे हैं वो 134 दिख रहे हैं। हम में से हर व्यक्ति, हर पर्सन चाहता है कि मेरा बिजनेस की मैचिंग डेली हो, 5 दिन में हो, वीकली हो, 10 मैचिंग हो चुकी हो। ओके, मैं सेल्स मास्टर जाना चाहता हूँ, हर आदमी चाहता है, लेकिन मीटिंग में आए बिना कैसे आप लोग मैचिंग ले पाओगे और कैसे अपनी सेल्स मास्टरशिप या डायमंड मास्टरशिप की जर्नी तय कर पाओगे। मुझे मतलब बड़ा अफसोस होता है ये देख करके, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो डेली बेसिस पे अटेंड कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ये कंटिन्यूटी बहुत अच्छा है, लेकिन क्या हम अपने लोगों को कॉल करके यहाँ पे बुलाते हैं? अच्छा, ऐसा कितने लोगों को फील हो रहा है, रोहित माली जी, गुरमीत जी और प्रेम सेमवाल जी, मैं तीनों को सबसे पहले लूंगा, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ सभी से
कि आप में से कितने लोगों को लगता है कि हमारे 10-10 लोग बैठे होते तो अच्छा होता, कितने लोगों को लगता है, प्लीज हैंड रेज करें, कितने लोगों को फील हो रहा है कि हमारी भी टीम बैठी होती यहाँ पे तो ये ऑटो पायलट की तरफ चला जाता बिजनेस, ये ऑटो मास्टर ऑटो सेल्स मास्टर का जो पिन है वो बहुत ही यू नो स्टेबल है। यस, आप सभी को लगता है कि मेरे 10 लोग बैठे होते, मेरे 5 लोग बैठे होते तो यहाँ पे मेरा ये बिजनेस ऊपर चला जाता, लेकिन आप अपने दिल पे हाथ रख करके बोलिए, 10 लोगों को बुलाने के लिए, 5 लोगों को बुलाने के लिए कम से कम 5 गुने लोगों को इनविटेशन भेजना पड़ता है। विषम जी, यदि आप लोग, विषम जी एक मिनट रुकता हूँ, आपकी बात को ऐड करता हूँ, मैं आपको बताऊं, मैं अब ना थोड़ा कम कर दिया हूँ सोशल मीडिया, मैंने कम कर दिया, पता है क्यों? मैंने अपने लोगों को सिखा दिया था सर। यस, मैंने मैंने लॉकडाउन में ना मैंने कम से कम 20-25 लोगों को, ऐसे लोगों को सिखा दिया था। मैं देख रहा था कि मैं एक अकेला हूं और मैं नहीं ला पा रहा हूं, या नहीं मतलब मेरे लोग का मैंने जाल बिछा दिया, मैंने कि मे से रिलेटेड जितने भी लोग हैं मे से अलग अलग लोगों को आप अप्रोच करना, मतलब कि फ्रेंड लिस्ट में अलग अलग लोग होने चाहिए आपके। तो इसका मतलब क्या है, मैंने शिखा मैम को, मैंने सुशील जी को, मैंने अरू को, या ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने ना सोशल मीडिया, मैंने कहा यूज करो यूज करो यूज करो यूज करो यूज करो। उसका मतलब क्या हुआ, जो अभी भीषम जी ने कहा, अगर आपके 10 लोग को आप सोशल मीडिया सिखा सकते हो तो आप 11 हो जाओगे। तो मैसेज yes. वो ज्यादा फॉरवर्ड होंगे, व्हाट्सएप पे वो ज्यादा होंगे, फेसबुक पे वो ज्यादा होंगे, वीडियोस वो ज्यादा होंगे, पिक्चर्स वो ज्यादा होंगे, आपकी ही टीम अलग अलग लोगों को अप्रोच कर रही होगी। करेक्ट, कंटिन्यू सर। करेक्ट सर, करेक्ट। और यहाँ पे जो नेटवर्किंग इंडस्ट्री बोली जाती है, नेटवर्क मार्केटिंग बोली जाती है, डायरेक्ट सेलिंग बोली जाती है, ये सबसे ज्यादा बात होती है यहाँ पे स्मार्ट वर्क की। नो डाउट आप फील्ड पे काम कर रहे हैं, नो डाउट आप रिटेलिंग कर रहे हैं, नो डाउट आप प्लान दिखा रहे हैं, ये है हार्ड वर्क। ओके, क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मल जिंदगी। और मिंटोस जिंदगी आपको लेनी है तो आप स्मार्ट वर्क ये करिए कि 10 लोगों को मीटिंग में बिठा दीजिए, कोई परफेक्ट पर्सन, नॉट परफेक्ट, परफेक्ट तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ ट्रेंड पर्सन, लाइक आज अरुण जी ने, मैं कितना ज्यादा धन्यवाद करूं, उतना ज्यादा कम है, हमने ये सोचा ही नहीं था कि इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, और होपफुली आप मेरे से सहमत भी होंगे। तो ये स्मार्ट वर्क क्या करना है आपको, कि 10 लोगों को, 5 लोगों को, 7 लोगों को, 3 लोगों को, 2 लोगों को, 15 लोगों को आपको इस मीटिंग में जरूर बिठाना है। प्रमोशन करना सीखना है आपको कि मीटिंग का प्रमोशन कैसे किया जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट वाला गेम खेलते हैं, कॉपी किया पेस्ट कर दिया, कॉपी किया पेस्ट कर दिया, दैट इज ओनली ए गेम, दैट इज नॉट रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क क्या करना है, सर मिस्टर मिस्टर मनीष आज की मीटिंग अरुण जी ले रहे हैं, ही इज सेल्स मास्टर, इनके नीचे कितनी बड़ी टीम है, मतलब इनके पास टाइम नहीं होता है बात करने का, मैं तो इनको तरसता हूं बात करने से, रियली really, मतलब इनका एक एक वर्ड इतना कीमती होता है कि मेरी टीम तर जाती है इनके वर्ड से। आज हमें मौका है इनको सुनने का, आधा घंटे के लिए, पौना घंटे के लिए आइए यहाँ पे, देखेंगे कि आपका जो बेस्ट की कीमती समय है ना, जो आपने निकाला होगा उस समय, वो डेफिनेटली मीनिंगफुल होगा, और यहां से आप बहुत बड़ी चीज सीख करके जाएंगे और आपका बिजनेस लीप्स एंड बाउंड्स में बढ़ जाएगा। मिस मत कर देना इस मीटिंग को, ये समझिए कि आपके लिए ये 300 रुपए 500 रुपए की मीटिंग है। ओके, तो दैट इज द प्रमोशन। मेरे को बताइए कैसे नहीं आएगा, आपने क्या किया, उसको पेस्ट, सॉरी कॉपी किया, पेस्ट कर दिया या फिर फॉरवर्ड कर दिया, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। You have to be smart, over smart नहीं होना है, you have to be smart, कि यहाँ पे 500 लोगों का limitation है, ये इस business का मतलब sorry इस meeting का जो link है 500 लोगों का है,
134 we are on the board. Doesn't matter where you are, doesn't matter what you are doing, but do smart work. Sitting, बिठाइए लोगों. तो थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपको बहुत अच्छा लगा ये. और मैं सबसे पहले रोहित जी को इनवाइट कर रहा हूँ. रोहित जी, आपका कोई क्वेश्चन? नमस्कार सभी को. नमस्कार सर. सर अरुण सर, मैं ये बताना चाहूंगा आपको, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने फेसबुक पे पेज बनाया MLM रोहित मालिक के नाम से, और उसमें नीचे बायो डाला मैंने ULM लीडर नेटवर्क मार्केटिंग विद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म. ठीक है, उसके बाद सर मेरे करीब 2500 लोग मेरे फ्रेंड सर्किल में आ गए हैं, और ऑल ओवर इंडिया से करीब 4-5 आईडी भी मैंने लगाई है. और सर अब इन 2500 लोगों को मैं कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ एटोमी के लिए, कैसे अप्रोच कर सकता हूँ? देखिए, एक तो आपका वो फेस मतलब फेसबुक पेज आपने बना लिया है. आप फेसबुक पेज ऑलरेडी आपको उसमें पोस्ट डालते जाना है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने आपको फॉलो कर लिया है. ठीक है ना, आपके पेज को लाइक कर दिया. अब आपको एक ऐसे इंफॉर्मेशन या ऐसे प्रोडक्ट का कोई रिजल्ट या डिटेलिंग आपको वहां पे पोस्ट करना है, कुछ नहीं करना है. देखो मतलब जो ये होता है, एक तो उनका आप चाहो तो जैसे मैंने मैसेंजर पे कहा जिन्होंने लाइक किया है, आप चेक क्या करोगे आपकी पोस्ट को कितने लोग देखो कितने हैं चेक कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, या कोई मैसेज डाल रहे हैं, कमेंट डाल रहे हैं, आप उनको कांटेक्ट जल्दी करोगे. Okay. अभी आप थोड़े टाइम तक देखो कहते हैं आप ऐसे इंटरेस्टिंग पोस्ट डालो जिससे वो मतलब कि ना कहते हैं ना कि थोड़ा सा खुशी से उनकी स्माइलिंग आए कि हाँ यार ऐसा पॉसिबल है क्या. चाहे वो प्रोडक्ट का रिजल्ट हो, चाहे वो प्रोडक्ट की बहुत सुंदर सी कोई फोटो हो. फोटो, एक चीज और सबको कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग ना अजीब अजीब सी फोटो जिसको कहते हैं ले लेते हैं और वो पोस्ट कर देते हैं. तो कृपया करके ना फोटो का चुनाव भी ना बड़ा अच्छा है. मैं एक चीज और शेयर करना चाहता हूँ रोहित जी, एक मिनट जरा. इंस्टाग्राम की फोटो को डाउनलोड करके आप लोग जरूर पोस्ट करा करो. मैं आप लोग ज्यादातर देखते होंगे, मैं जो भी फोटो देता हूँ उसका ना पिक्सल, रोहित बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इस बात को. हाँ, पिक्सल बड़ा अच्छा होता है, बिल्कुल दिखता है वो दिखता है. तो मतलब कि अट्रैक्शन जो है, एक एक डलनेस सा एक बेकार सा फोटो है और एक एक ही तरह का फोटो बड़ा अच्छे से खिंचा हुआ होता है, उसके पिक्सल अच्छे होते हैं, अट्रैक्टिव दिखता है, उसको देखते लगता है यार ये ले लें क्या. ये बड़ा जरूरी है, उसको ध्यान दीजिएगा. तो रोहित बस ये सिंपल है, आप ऑलरेडी माहिर हैं, आप डिजाइनिंग में माहिर हैं, उसको डिजाइन करो, कुछ ऐसा डिजाइन करो कि फील आए उनको कि हाँ यार ये कुछ अलग है. ओके सर. एक सर जैसे किसी अदर ग्रुप में जाके हम लोग पोस्ट करते हैं ना, तो कई बार उस ग्रुप वाले को ऑब्जेक्शन होता है, वो आके मैसेज करता है, फोन भी करता है, क्या हो गया है ना, तो क्या वो चलता रहेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना सर? कोई दिक्कत नहीं है. उनको बोलो, उनको बोलो कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि आपके ग्रुप में पोस्ट कर रहा हूँ. बोलो इतना कॉन्फिडेंस है तो डर क्यों रहे हो. अगर आपका ग्रुप बहुत अच्छा है और आपकी कंपनी इतनी अच्छी है तो कोई मेरे में आएगा ही नहीं, इवन मैं आपके वाले में आ जाऊंगा क्या पता. सही, सिंपल है भाई. अगर आपको लगता है किसी भी ग्रुप वाले को कि भाई ऑब्जेक्शन वो करता है, वो इसलिए करता है कि उसको डर लगता है. बोलो सर क्या डर लगता है क्या कि मैं जो पोस्ट कर रहा हूँ आपके लोग मेरे यहाँ आ जाएंगे. बोलो अपनी कंपनी में भरोसा है क्या आपको. वो कहेगा हाँ है. अगर है तो बोलो डरना किस बात का, कोई आएगा ही नहीं. बोलो अगर आपकी वाली अच्छी है तो मेरे में क्यों आएगा. बोलो जो बेस्ट होगी. बोलो एक चीज, एक क्वेश्चन जरूर कीजिएगा जब भी ऐसा किसी के भी साथ आए कि सर हम कंपनी के लिए काम करते हैं या अपने लिए काम करते हैं. हम किसी कंपनी के बंधुआ मजदूर तो नहीं है, मतलब कि हम जों की तरह चिपक तो नहीं गए उस कंपनी से. ऐसी बात कर दीजिएगा सर कि हम जिसको कहते हैं बिजनेस करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करते हैं, जहां पे मेरा फ्यूचर अच्छा होगा मैं वहां पे काम करूंगा. मैं किसी भी काम, जैसे हम जॉब छोड़ते हैं, जैसे हम जॉब छोड़ते हैं और नई जॉब को ज्वाइन करते हैं बिकॉज ऑफ मेरी सैलरी वहां अच्छी नहीं थी, चाहे वो कंपनी कितनी अच्छी हो लेकिन सैलरी या मेरे जो सपने हैं, मेरी जो अचीवमेंट है वहां पे पूरी नहीं हो रही थी, मैं चेंज करता हूँ. वो छोटी भी कंपनी हो सकती है, वो बड़ी भी हो सकती है, मैं अपने अकॉर्डिंग करता हूँ. बोलो जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करता हूँ,
बोला सर आपको लग रहा है डर, तो सर अच्छी बात है, बोलो डर अच्छा है क्योंकि आप गलत जगह हैं इसलिए लग रहा है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक रोहित जी, और अपने आप जो वो है आपका फेसबुक पेज उसी को शेयर कीजिए सारे ग्रुप में, तो वहां पे आपको आपका पेज भी प्रमोट होगा। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू रोहित जी। ग्रेट, गुरमीत जी प्लीज, वेलकम है आपका सर। गुरमीत जी हेलो जी। गुरमीत सर नमस्कार, भीष्म जी नमस्कार, अरुण जी एवरीबॉडी गुड इवनिंग। नमस्कार सर। अरुण जी आज आपसे जो जो सोशल मीडिया की बात चली आपने बहुत अच्छी बातें बताई, और मैं कुछ इसी पे काम भी कर रहा था, लेकिन जो आज आपने व्हाट्सएप के ऊपर ना ब्रॉडकास्टिंग की बात की है वो अच्छी लगी, मोस्ट प्रोबेबली एक दो दिन में उसको भी हम यूज करना शुरू कर देंगे। जी बहुत अच्छी बात है सर। और जो आपने फेसबुक और मैसेंजर की बात की उसी के जरिए इटली में बात कर ली है, जहाँ भी हमारा बिजनेस नहीं गया है तो मोस्ट प्रोबेबली इटली में भी ज्वाइनिंग हो जाएगी, जो आप अब्रॉड की बात कर रहे थे। यूके में ऑलरेडी आपकी हेल्प से मैंने वहाँ पे ज्वाइनिंग करवा रखी है। बिल्कुल बिल्कुल गुरमीत जी, ऑलरेडी आप तो कर रहे हैं बहुत शानदार। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अस सोशल मीडिया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू एंड प्राउड ऑफ मिस्टर भीष्म एंड एवरीबॉडी। और खासकर एक बात कहना चाहूंगा मिस्टर अवतार सिंह के बारे में कि वो आज आए एज ए होस्ट, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू अवतार जी, थैंक यू सो मच। ग्रेट गुरमीत जी, थैंक यू अवतार जी। मैं आप सबको एक चीज और बता देता हूँ, आज मैंने इस सोशल मीडिया को सीखने की कोशिश करी है। मैंने इसको सीखने के लिए आपको बता देता हूँ एक कोर्स ज्वाइन किया है 21 दिन का, और पेड मतलब अच्छी खासी मैंने उसको फीस दी है, और मैं बहुत अच्छा सिखाने की कोशिश करूंगा सबको, पहले सीख लूं, अभी तो ये कुछ भी नहीं आता है मुझे। सुपर सर। प्रेम सेमवाल जी, वेलकम है प्रेम सेमवाल जी। सर नमस्कार जी, बोलिए। नमस्कार नमस्कार सर। बोलिए सर, आपने भी हमारे आंखें जी। प्रेम सेमवाल जी सर, आपने जो बहुत ही महत्वपूर्ण सर आपका, बहुत ही इतनी एक्टिविटी हम लोग कर नहीं पाते हैं सोशल मीडिया पे, आपने आज जो है हमारी आंखें खोल दी सर, और अभी हमारा जो है सीखने का इस पे बहुत कुछ है सर। पर मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी सर, मेरी वॉइस आ रही सर? बिल्कुल आ रही है, आ रही है। जी सर, बोले सर। मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी अरुण जी कि ये जो कार्यक्रम है सर, ये कम से कम 15 दिन में एक बार अवश्य होना चाहिए सर। सर ये कार्यक्रम आप डेली देख सकते हैं सर, किंग वाला सर। प्रेम जी ये डेली आप देख सकते हैं, आपको इसका ना वीडियो मिल जाएगा सर। जी 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 सर, जी सर। देखो इससे सर जो है ना बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर बगैर स्मार्टफोन के कोई काम चलता सर, तो स्मार्टफोन चलाने के लिए भी काफी लोग जो है, हम लोग खुद भी कहें सर इसमें अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नए हैं, हम तो काफी समय से ट्राई कर रहे हैं सर। और आज सर जैसे आपने मैसेंजर का, व्हाट्सएप का, फेसबुक का दो चलाने का आपने तरीका बताया सर, इससे बहुत मदद मिली होगी। जितने लोग भी आज पार्टिसिपेंट हैं, मेरा सभी को हार्दिक दिल से नमस्कार है। और आप अरुण जी आप बधाई के पात्र हैं, आपको काफी नॉलेज है क्षेत्र में, और सर आपका जो भी मैं आपको मतलब इतना महत्वपूर्ण नहीं लेता था सर, बहुत अभी काम जो एक महत्वपूर्ण सहायक, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, इसके लिए आप बधाई के पात्र है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बहुत प्रेरित हुआ हूँ आज। थैंक यू प्रेम जी। और सबका एक मैसेज और दे देता हूँ, प्रेम जी ने बोला आपको बहुत आसान है, अगर आप फेसबुक आईडी बनी भी है आपकी, तो आप सबको बता देता हूँ आपको केवल एक छोटा सा काम करना है, अरुण अटोमी इंडिया मेरा फेसबुक पेज और आईडी है, वहां पे आपको फोटो भी मिलेंगी, मैसेज भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, कॉपी पेस्ट करो अपने वाले पे चिपकाओ और पोस्ट कर दो। थैंक यू
जी सर, इसको इसको ऑलरेडी करते हैं सर ना, पर जो नॉलेज आपने दिया सर, जो शेयर किया अब, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है सर, और इससे हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू, जरूर बढ़ेंगे सर, बिल्कुल बढ़ेंगे। थैंक यू प्रेम जी, थैंक यू सो मच। मनीषा, मनीषा मैम अनम्यूट करें, बात करना चाहते हैं। यस प्लीज। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग अरुण सर, ने बहुत बहुत अच्छा नॉलेज दिया, बहुत अच्छा लगा और सीखने को मिला सर। मैं भी मीडिया पर थोड़ा फार काम कर रही हूँ, तो उसमें से जो साड़ी का ज्वेलरी का जो लेडी करते ना सेल का, तो उसमें से मैंने एक को ज्वाइन किया। उनसे पहले उनसे रिलेशन बढ़ाया और बाद में उनसे मैंने साड़ी मंगाई। वो है कर्नाटक की है, लेकिन मैंने हमारे जो एटमी के प्रोडक्ट के बारे में उनको बताया, ज्वाइन तो हो गई लेकिन वो सामान नहीं ले रही है, बोल रही है कि अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसा वैसा बोल रही है। और एक मीडिया में लेडी है, वो इधर की है, महाराष्ट्र की जी, अच्छा नहीं वो भी, वो तो मेरे फेस देख के उनको खुशी हुई कि मेरे हमारे महाराष्ट्र की लेडी है, उनको सच में लगा कि मैं हूँ, वो फेस मेरा है। तो उनको कंफर्म किया मेरे से, राहुल सर ने नंबर दिया था वो मैडम का, तो उन्होंने कंफर्म किया कि सचमुच आप हो गया। तो मैंने बोला हाँ मैं ही हूँ, सचमुच मैं ही हूँ, तो उनको विश्वास नहीं लगा। तो बहुत सोचा उन्होंने, ठीक है मैडम मैं देखती हूँ। दूसरी बार उनका ही फोन आया कि मैडम मुझे कुछ बताओ और भी कुछ क्या क्या है। तो मैंने सब कुछ बताया उनको प्रोडक्ट के बारे में और थोड़ा सा प्लान भी बता दिया, तो उनको पसंद आ गया, ज्वाइन भी हुई और दो बार परचेजिंग भी किया। ये दो लोग ऐसे थे, ऐसे और मैंने अभी मेरा डिटर्जेंट का लिक्विड का वीडियो बनाया, बनाने की कोशिश किया, वो वीडियो भी मैंने डाला फेसबुक पर डाला और पिक्चर भी डाल दिया सर। मैम बिल्कुल, आपने जो डाला है, आप सिंपल मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, आप अपना जिसको कहते हैं वीडियो बनाओ और उसमें जिसको कहते हैं थोड़ा सा सीखना पड़ेगा आपको, आपका पुराना कोई भी फोटोज हो या छोटा सा कोई वीडियो हो उसमें वो एडिटिंग करके आपका आज का वीडियो डालो कि पहले मेरा फेस ऐसा था, ऐसा मैं दिखती थी और इस तरह से ये फोटो भी है, ये वीडियो भी है प्रमाण, और आज मैं आपके सामने लाइव हूँ, आज मैं आपके सामने लाइव वीडियो बना रही हूँ, आज मेरा ये फेस जो है एटमी के द फेम से इतने दिनों के अंदर आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पे कोई भी पिगमेंटेशन वाला झाई वाला नहीं है और मेरा ग्लो करता है, ऐसे कर वो बनाना पड़ेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसमें मैं अलग से बात करेंगे, आपने बताया ना जरूर मैं आपसे अलग से बात करेंगे। थैंक यू, ठीक है सर, थैंक यू सर। ग्रेट मनीषा मैम, थैंक यू। एसपी पटेल जी प्लीज वेलकम सर। एसपी पटेल, राम प्रकाश पाल वेलकम सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा नाम राम प्रकाश पाल है सर। मैं एक चीज पूरे एटमी मेंबर को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि सर जो इतनी सिखलाई है। आवाज 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 क्लियर आएगी सर, प्लीज ध्यान से। यस हाँ सर, आ रही सर, अब आ रही है। मैं ये बोला चाहूंगा सर कि ये मीटिंग सर ज्वाइन करके मुझे बहुत खुशी हुई है, और इतना सर सिखलाई जो है मैं किसी भी एजुकेशन में नहीं देख पाया कि इतने एक बच्चे की तरफ जो हमारे सीनियर लीडर हैं सब एटमी के, उंगली पकड़ करके एक छोटा बच्चे को चलना सिखाता है, उससे भी मैं बेटर समझूंगा कि इस एटमी जो अपने ग्रुप है और हमारे लीडर हैं जो इतनी अच्छी अच्छी चीज सिखाते हैं जो कि किसी भी एजुकेशन में नहीं मिलेगा।
और दूसरी बात है सर कि मैं तो नहीं अभी ज्वाइन हुआ हूँ, लेकिन अभी जो मैं एक पार्ट टाइम में काम कर रहा हूँ एटीएम को, जिसकी वजह से मैं थोड़ा समय का चित्र रह जाता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा आर्मी से मैं बिलोंग करता हूँ, और आर्मी में सर ऐसा है कि थोड़ा सा पाबंदी है एंड्रॉइड फोन रखना, कि ड्यूटी के ऊपर जो है ऐसी मीटिंग की जो समय है उस समय पर मैं चोरी छुप के जो है इस एंड्रॉइड फोन को लेकर के मैं मीटिंग अटेंड करता हूँ, वजह से सर मैं। आप लीड निकाल के बात करें, आपकी या तो लीड में प्रॉब्लम है या आपकी आवाज बिल्कुल नहीं सर जी, मैं लीड नहीं लगाया हूँ, मैं इसे नॉर्मली में बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ऐसी कि एक जामर लगा हुआ है हमारे सिस्टम के अंदर, जो कि तो सर शॉर्ट में बोले सबसे शॉर्ट में कीजिए, क्योंकि आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही, शॉर्ट में आप अपना मैसेज दें जी। मैं सर शॉर्ट में यही बोलना चाहूंगा कि सर बहुत अच्छा मुझे लगा ये, थैंक यू सर सबको नमस्कार। एसपी पटेल जी, ओके दिनेश शाह जी, जी सर गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आज की मीटिंग जो थी एकदम जबरदस्त थी, और आज तक जितनी जूम मीटिंग मैंने देखी उसमें सबसे फर्स्ट नंबर दिया जाए मेरे हिसाब से, इतना जबरदस्त सिखा दिया लोगों ने, और मैंने मैसेज भी रखा है कि वापस इसको रिपीट किया जाए, तो काफ़ी लोग आएंगे मेरे को ऐसा लगता है, और लोग जुड़ के बहुत लोग सीखेंगे और बिजनेस का ग्रो होगा, और जितनी तालियां उनके लिए लगाए उतनी कम है मेरे हिसाब से। थैंक यू दिनेश जी, इनके लिए तालियां जोरदार हो जाए, माइक एडमिट कीजिए, आज जबरदस्त उसने समझाया, बहुत कुछ सीखने को मिला लोगों को, मेरे को कई लोगों का फोन भी आया, बोला दिनेश भाई इनका फिर से मीटिंग करवाइए ना, के मैं बोला ठीक है मैसेज छोड़ता हूँ, आपको मैसेज भी मैंने छोड़ा है। बिल्कुल दिनेश जी, आपका मैसेज मैंने पढ़ लिया, संडे के दिन रखो तो काफी लोग आएंगे सर। बिल्कुल, मैं आप सबको मैंने अभी एक मैसेज भी दिया था थोड़ी देर पहले, आपने देखा होगा, मैंने ऑलरेडी इसको सिखाने का बीड़ा मैं वैसे एक साल से ले रहा हूँ, एक साल से मैंने कई बार इस सेशन को लिया है, मैंने मुझे लगता है 15-20 बार मैं ले चुका हूँ, मैं फिर से लूंगा, और अभी मैं आप लोगों को बहुत बड़ा वाला सेशन, जितना मैं सीखूंगा उतना मैं सबको सिखाऊंगा, सबको मैं पेड अभी एक वो लिया है डिजिटल, उसके लिए आज ही मैंने उसको मतलब कि पेड किया है, और मतलब कहूंगा तो 5,500 रुपये मैंने उसके लिए पे किए हैं आज उसको, 21 दिन का वो के मतलब हुआ है। पॉसिबल है सबको सीखने की इच्छा होना, बहुत बड़ा अच्छा है, जबरदस्त दिया आपने सर, थैंक यू दिनेश जी, सैल्यूट करता हूँ आपको, नहीं थैंक यू वेरी मच सर, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ हमेशा इस सेशन को लेने की, और कई बार, और आपने जो मैसेज दिया है मैं जरूर जब आप कहेंगे तब देंगे, ओके सर, थैंक यू सर। भीष्म जी, हाँ तो यस जी, आ रही आवाज सर? बिल्कुल आ रही सर, ओके तो जैसे आप कह रहे हैं संडे को करिएगा, तो देखिए ये एजुकेशन प्रोग्राम है, और एजुकेशन प्रोग्राम में जैसे आप सीख रहे हैं 8:30 इज ए वेरी सुटेबल टाइम, कई बार अरुण जी के पास भी टाइम नहीं होता है, कई बार क्या होता है कि मीटिंग भी नहीं हो पाती है, तो 8:30 की मीटिंग हो रही है सबके लिए हो रही है, तो प्लीज उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इनवाइट करें 8:30 की मीटिंग में, और हर स्पीकर जैसे अरुण सर ने आज एक टॉपिक लिया सोशल मीडिया के ऊपर, कल को कोई भी लेगा किसी और टॉपिक के ऊपर, वाई नेटवर्किंग इंडस्ट्री या फिर वाई एटमी, तो यहाँ पे हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाएं तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सुनील मोरे सर, दिनेश जी का म्यूट कर दो सर, वॉइस आ रही है जी, दिनेश सॉरी सुनील जी, मोरे सर, गुड मॉर्निंग सर, सभी को गुड मॉर्निंग सर। अरुण जी का जितना धन्यवाद करें उतना कम है सर। अभी सोशल मीडिया की जो बात चल रही थी,
उसी की देन मैं भी हूँ एक हमारे ग्रेट ऑफलाइन राहुल राणा जी को, क्योंकि इसका यूज कैसा करना है तो अरुण जी से हमने पूरा सीखा ही है, और जितना से जितना लोग इससे सीखेंगे उतना टीम के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा। ये इतना बड़ा मार्केट है सोशल मीडिया, ये सभी लोग जानते हैं, इसी का अगर सब लोग ठीक से पूरी अपनी टीम के लिए इस्तेमाल करते तो इसमें सबका भला होगा सर। थैंक यू अरुण सर आपने बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखिए यहीं से आपको सबको ना एक मैसेज देता हूँ, मोरे जी एक मिनट रुकिए आप थोड़ा, मैं आप सबको ना को रिलेटेड करता हूँ, मतलब कि मोरे जी को, मोरे जी महाराष्ट्र से हैं और राहुल राणा जी जिसको कहते हैं नोएडा से हैं, और दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते थे, मतलब कोई दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। और उनके पोस्ट, क्योंकि आप जानते हैं वो डिजाइनिंग बड़ा अच्छा करते हैं, उनके पोस्ट और वीडियोस को देख के सुनील मोरे जी ने जिसको कहते हैं उनको कॉल किया कि क्या है क्या नहीं है मुझे बताइए। और आज आपको बता देता हूँ राहुल राणा जी को सुनील मोरे जी ने मतलब कितनी टीम दी है आप सोच नहीं सकते हैं, 10,000 से ज्यादा लोग सुनील मोरे जी ने दिए। बिल्कुल बिल्कुल सही, एक मोरे जी, एक मोरे जी सागर वाली बात है, सागर बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए आपको कौन वहां पे ऐसा पर्सन मिल जाए जो आपको ऐसी बुलंदियों पे पहुंचा दे, नहीं पता। बस कहते हैं ना आपको करना पड़ेगा, आप अगर एक्टिव प्रोएक्टिव फेसबुक पे हैं और आप वहां पे लीडरशिप, और आपकी एजुकेशन होना बड़ा जरूरी है, ध्यान दीजिएगा, आपको कुछ नहीं आता जाता तो बड़ा लीडर कभी भी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। आपके मतलब कहते हैं जबानी मुंह जबानी टिप्स पे एक एक पॉइंट होने चाहिए एटमी के, वो बोले और आपके पास इंस्टेंट जवाब हो, इंस्टेंट, तो वो आपको ज्वाइन करेगा। बड़े लीडर की अभी खेप आनी बाकी है मेरे दोस्तों, बाकी कृपया करके एक्टिव हो जाओ। थैंक यू मोरी जी। किसी को भी कोई क्वेश्चन नहीं है और हम आज से एक नया आयाम शुरू करेंगे, नई सोशल मीडिया पे मुहिम चालू करेंगे, अपने आसपास लोगों से बात करना चालू करेंगे। जितना सोशल मीडिया इम्पोर्टेंट है उतना ही आपका ऑफलाइन काम करना जरूरी है। तो आप सभी लोग देखिए, सफल होना है, सफल होने के लिए कुछ भी करना पड़े आपको, ऑफलाइन ऑनलाइन सोशल मीडिया और आपकी प्रिंट मीडिया, आपकी यू नो टीवी मीडिया, व्हाट एवर यू नीड यू रिक्वायर डू इट फॉर द सक्सेस। तो एसपी पटेल जी को ले लेते हैं, उसके बाद हम मीटिंग को एंड की तरफ चलेंगे और लास्ट में आज के होस्ट अवतार सिंह जी को इनवाइट करेंगे फॉर द लास्ट नॉट। यस पटेल जी, पटेल वीडियो नहीं, अपना माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन करिए, माइक नहीं कर पा रहे हैं आप। वीडियो की बजाय जो ये लाल सा बना हुआ है सर लेफ्ट साइड पे कोने पे, उस पे उंगली कीजिए, वीडियो के बगल वाला लेफ्ट साइड वाला उस पे क्लिक कीजिए। एसपी पटेल जी नहीं, आई थिंक उनसे हो नहीं पाया। अवतार जी एक बार आए सामने। यस अवतार जी अनम्यूट करें और मीटिंग को एंड करें। अवतार सिंह जी आई थिंक अवतार जी बिजी हैं। तो थैंक यू सो मच अरुण जी आपका प्रेसियस टाइम देने के लिए, और मैं समझता हूँ हम सभी ने इस मीटिंग का बहुत ज्यादा फायदा उठाया होगा और आगे आने वाले टाइम में मैं एक बार सभी से पूछना चाहूंगा कि कितने लोग हैं इस मीटिंग में अभी भी जिनको लोग मिले हैं या खुद सोशल मीडिया के द्वारा उनको अप्रोच किया गया है और उनको एक बहुत बढ़िया बिजनेस मिला है, मतलब जिनको लोग मिले हैं और जिनको स्पॉन्सर मिले हैं वो प्लीज हैंड रेज कर दें, सो दैट सोशल मीडिया का हमें कितना फायदा हुआ है वो हमें पता लग जाए। यस राजेंद्र जी हैं, बी एस रावत जी हैं, जयोल अंसारी जी हैं, प्रेम सैमवाल, गुरमीत जी, ऑलरेडी गुरमीत जी जो है वो सोशल मीडिया से अवतार सिंह जी को मिले,
Devasis Pahi, yes, he's also got from social media. Great. देखिए सर, सोशल मीडिया के थ्रू कितने लोग मिले हैं, कितने लोगों को स्पॉन्सर मिले हैं, कितने लोगों को बिजनेस पार्टनर्स मिले हैं. तो जो लोग सोचते हैं कि हमें तो लोग ही नहीं मिलते, जो डेटा आज अरुण जी ने दिया वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, सिग्निफिकेंट था. 2 बिलियन लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं, 1 बिलियन ग्रुप्स हैं, और यू नो 30 करोड़ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं. फेसबुक पे भीषम जी, आपको थोड़ा सा और सर, केवल इंडिया का बताया मैंने, 30 करोड़ एक्टिव यूजर है वर्ल्ड का, तो घबरा जाएंगे सारे लोग. हाँ, और हमारी हमारा जो बिजनेस है वर्ल्ड में 73 कंट्रीज में हमारा, और 200 करोड़ से ज्यादा है सर वो, 200 करोड़ से. तो आपके पास रॉ मेटेरियल बहुत ज्यादा है, जो भी बंदा दिखता है वो सब रॉ मेटेरियल है आपका, चाहे वो ऑफलाइन दिखता है चाहे वो ऑनलाइन. थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइज, थैंक यू अरुण जी, थैंक यू सो मच. हम लोग मीटिंग को जी, जय हिंद सभी को, जय हिंद.